जब हम किसी की मजदूरी नहीं मारते, हम ईमानदारी से अगर मजदूरी करेंगे तो ऊपर बैठा हुआ भगवान जो सबका मालिक है वो हमारी मार लेगा मजदूरी। तो हमको काम करना ही नहीं सीखना है, साथ साथ क्या सीखना है? कॉन्फिडेंस सीखना है। और ज्यादा से ज्यादा बुरे की कल्पना कर लो बस। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट ढूंढते रहो, किसको बता सकते हैं, किसको मिल सकते हैं, किसको ला सकते हैं। हमेशा कभी भी प्री जज ना करें अपने लोगों के बारे में कि ये तो सरकारी नौकरी है, इसकी प्राइवेट नौकरी है, ये तो नहीं जुड़ेगा, ये तो गोरा है, ये तो काला है, ये तो ये है, ये तो ये है। एक्चुअली हम हमेशा बाहर का आवास लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या घटना घट रही है, उसको कितनी जरूरत है, वो जिंदगी में क्या ढूंढ रहा है, क्या बनना चाहता है, क्या उसकी चाहते हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। एक ही पैरामीटर है, जाके उसको प्लान दिखा दो। अगर पॉजिटिव होगा तो हाँ कर देगा, नेगेटिव होगा तो ना कर देगा। बस सिंपल बात है। और ना हमेशा अपनी पॉकेट में रख के चलो, ना हमेशा किस में रखो, पॉकेट में। अगर वो हाँ कर दे तो खुश हो जाओ, अरे बोला यार मैं तो ना रख के आया था, तूने हाँ कैसे कर दी, दोबारा पूछो उसको, बोला यार बहुत ही बढ़िया, गजब यार। और अगर ना कर दे तो आपको पहले से पता है वो तो हमारे पॉकेट में आई है, समझ आ रहा है? तो हमेशा लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते रहिए, और लोगों लिस्ट हमेशा अपनी कोई ना कोई डायरी पे या शुभारंभ पे बनाइए, और जाके लिस्ट पे काम करिए। और कभी भी विदाउट लिस्ट किसी के साथ काम शुरू मत करिए, एक अपना रूल बना लो। कोई भी बंदा आपके नीचे जुड़ा, आप कई बार क्या करते हो, चल भाई किसके पास लेके चल रहा है, इतना सब सीखने के बाद, इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसको एक प्रॉपर सही रास्ता नहीं बता रहे और उसके बावजूद कूद जा रहे हो, इसका मतलब आप गलत करने की खुद ही प्रेरणा दे रहे हो। आप उसको बोलो कि आप अगर बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं बना सकते तो कोई 5 नाम लिख सकते हो। बोला 5 तो ऐसे लिख दूंगा, निकाल तू डायरी, बोलेगा वो मोटिवेट होके। बोला बताओ फिर पहला नाम। और हमेशा लिस्ट बनाते समय उल्टी गिनती ही लिखें, क्योंकि 1 लिखा पहले तो कोई गारंटी नहीं वो 5 तक बताएगा, लेकिन 5 लिखा अगर ऊपर तो फिर जरूर गारंटी है कि वो 1 तक बताएगा। बोला 5 लिखे हैं अभी, 5वां हुआ है, चौथा कौन सा है? बोला वो हरीलाल है। तीसरा, फिर दूसरा। उल्टी गिनती से हमेशा क्या होता है, हमेशा वो टारगेट पूरा होता है। हमेशा काउंटडाउन, रॉकेट जब उड़ता है तो काउंटडाउन 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 क्यों होता है? ऐसे क्यों नहीं होता है 1, 2, 3? ऐसे क्यों, आपने दिमाग लगाया है? क्योंकि 1, 2, 3 करने से 10 तक पहुंचने में एक्साइटमेंट नहीं आता, लेकिन 10 से 9, 8 सबको पता है 1 तक होगा। और जैसे जैसे 1 होता है वैसे वैसे धड़कने बढ़ती जाती है। ऐसे क्यों नहीं होता 1? यार 1 से अगर गिनने लग जाए तो पता नहीं 1000 पे छोड़े, 100 पे छोड़े, 300 पे छोड़े, 800 पे छोड़े, कब तक देखते रहेंगे यार हम, बताओ आप। लेकिन कहां से होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगर 5 से चालू किया तो सबको पता है कहां पे एंड होगा, 1 पे। 10 से चालू किया तो कहां एंड होगा, 1 पे। 100 से चालू किया तो कहां एंड होगा, 1 पे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? उल्टी गिनती लिखना चालू करिए, 5 नाम लिखवा लीजिए, चल बताओ 5वां नाम बताओ। बोला 5वां नाम मेरा ये, चौथा नाम ये, तीसरा ये, दूसरा ये, 1 ये। अब 5 लोगों के नाम आ गए बैठ के, अब 5ों में से आपको जितना अनुभव है उससे कंपैरिजन करिए। पढ़ा लिखा ये है तो 1 स्टार लगा दो, ये नौकरी वाला है 20,000 रुपये कमाता है तो 1 और स्टार लगा दो, तीसरा MBCS पर्सन है, LIC भी करता है साथ साथ में तो तीसरा लगा दो, ये ट्यूशन पढ़ाता है तो MBCS होगा, मास्टर होकर ट्यूशन पढ़ा रहा है, इसका मतलब लाले पड़ रहे हैं ना घर में, या तो जरूरत है या MBCS है, इसका मतलब 1 और स्टार लगा दो। बोला जुड़ सकता है। बोला इसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में, यार 1 और स्टार लगा दो। बोला 2 इनकम आती है अब तो जल्दी DD आ सकती है, 2 भी आ सकती है। बोला 1 और स्टार लगा दो, 1 और स्टार लगा दो, 1 और स्टार लगा दो। 5 में से जिसके पास ज्यादा स्टार आ जाए, यानी ज्यादा क्वालिटी जिसके पास हो उसी के पास चले जाओ सबसे पहले। और अप्रोच कैसे करनी है आपको पता ही है, सबसे पहले उनकी नीड क्रिएट करो, ऐसे ही जाके बातचीत करो, फिर उनको बताओ कि सर हम ऐसे ही नहीं आए हैं, किसी पर्पज से आपके साथ आपसे मिलने आए हैं, पर्पज हमारा ये है कि आजकल आपको पता ही है कोरोना के कारण 1 इनकम से परिवार नहीं चल सकते, 2 इनकम जरूरी हैं, तो अगर आपके परिवार में 1 सेकेंड इनकम और जनरेट हो जाए पार्ट टाइम में, 1-2 घंटा टाइम दे के, अगर कुछ लोगों से मिलवा के, कुछ लोगों के यहाँ स्वास्थ्य अच्छा करके, उनको गीता दिलवा के, उनको कुछ करके अगर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बोला अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो कल संडे को प्लान होगा, प्लान में आपको आना है, एक इन्विटेशन कार्ड हम आपके बीच में लाए हैं, अगर इन्विटेशन के लिए बुलाना है तो वैसा कर दो, नहीं तो अगर आपको ऑन द स्पॉट प्लान दिखाना है तो उनको बोलो सर आपका सिर्फ 1 घंटे का वक्त चाहिए, 1 घंटे में कुछ हमारे पास बातें हैं आपको बताना चाहते हैं, अगर अच्छी लग जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, हम हमारे घर आप अपने घर, बोलो आप।
कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके से अप्रोच करके आसानी से साधारण तरीके से आप बस अपना काम करो। और देखो आप अपने घर में, हम लोग इतने मतलब क्या देसी लोग हैं, अगर हम अपने घर में कोई मजदूर लाएं रोड से और उससे पूरे दिन काम करवाएं, बेलदारी करवाएं, तो शाम को हमको बीइंग अ ह्यूमन, आदमी होने के नाते, क्या उसको मजदूरी मारने का मन करेगा या देने का मन करेगा? कितने लोग बोलते हैं ऐसा ही करेंगे हम लोग, देंगे। वो तो मेरे सामने बोल रहे हो कि दोगे, वास्तव में दोगे ना? क्यों, क्या क्या कारण है देने के? पहला कारण, उस बंदे ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, मेहनत करी है। आपने वादा किया था कि अगर तू ऐसा करेगा तो 450 रुपये तो जो बेलदारी की कीमत होती है वो तेरे को शाम को हम देंगे। और उसने काम भी बहुत ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, आपकी उम्मीदों से ज्यादा किया है। अभी क्या करोगे, दोगे? तो जब हम किसी की मजदूरी नहीं मारते, हम ईमानदारी से अगर मजदूरी करेंगे तो ऊपर बैठा हुआ भगवान जो सबका मालिक है वो हमारी मार लेगा मजदूरी? क्या करेगा वो? वो भी देगा ना, लेकिन हम मजदूरी नहीं करते सही तरीके से। तो मेरे को ये विश्वास था कि देवेंद्र शर्मा, अगर तू अपनी ईमानदारी से मजदूरी करेगा तो यार सबका मालिक जो ऊपर बैठा है ना वो तेरी मारेगा नहीं। तो मारी नहीं उसने, उसने स्कूटर वाले को जगुआर में पहुंचा दिया, अभी 2.5 करोड़ की में पहुंचाएगा। अभी क्या सोच रहे हो आप, समझ आ रहा है आपको? तो कितने लोग बोलते हैं कि करेंगे, ईमानदारी से अप्रोच करके अपनी डाउनलाइन को भी प्रैक्टिकली सिखाना पड़ता है ये बिजनेस। इस बिजनेस में क्या होता है, सीखना एक अलग बात है और करने का कॉन्फिडेंस होना एक दूसरी बात है। जैसे मान लो कि 4 बंदे हैं, चारों को रस्सी पे चलना आता है, लेकिन 8 फुट की रस्सी पे चलना सबको आता है, लेकिन वही रस्सी अगर 20 माले पे बांध दी जाए तो 3 उसमें से बोलेंगे कि भाई मैं थोड़ा कच्चा सीखा हूं। एक बोलेगा मेरे आज पेट में दर्द है, दूसरा बोलेगा यार बोला बीवी इंतजार कर रही है, आज उसने बोला था मंगल के दिन तुम रस्सी पे मत चढ़ना। क्यों, अभी क्या गड़बड़ हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना? तो कॉन्फिडेंस होना दूसरी बात है, काम करना आना दूसरी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना दूसरी बात है। तो हमको काम करना ही नहीं सीखना है, साथ साथ क्या सीखना है, कॉन्फिडेंस सीखना है। और ज्यादा से ज्यादा बुरे की कल्पना कर लो बस। अगर आप किसी के घर में गए, किसी को प्लान बता रहे हो, भयंकर बुरा होगा तो क्या होगा, मना करेगा। थोड़ा हो सकता है आपकी इज्जत से खिलवाड़ कर दे, हो सकता है थोड़ा उल्टा सीधा सुना दे, जवाब देना सीख जाओ। मेरे को कई लोग बोलते थे, शर्मा जी बोला यार आपकी तो नौकरी लगी नहीं, और बोला अब तो आप करोगे भी क्या, यही करोगे, बोला लेकिन हम तो सरकारी नौकरी में, कुछ भी बोल देते थे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा आपको कुछ बोलेगा, इससे ज्यादा कोई थप्पड़ मारेगा, गोली मारेगा, बेइज्जत करके घर से भगा देगा, कुत्ते छोड़ देगा हमारे पीछे, क्या करेगा, बोलो ना करेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए यार, ना करेगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो ये बात आपको करनी है, तो एक बार करो खर्चा और बार बार करो चर्चा, इनविटेशन करते रहो लोगों को, डू और डोंट्स आप बढ़िया तरीके से बता दो कि क्या क्या उनको डिस्कस नहीं करना है, और बस रोज कहीं भी प्रोस्पेक्ट ढूंढते रहो। आप बस में बैठे हो, प्रोस्पेक्ट ढूंढो, आप शादी में गए प्रोस्पेक्ट ढूंढो, नौकरी में गए प्रोस्पेक्ट ढूंढो। मैं तो पूछ के ढूंढता था, जैसे कोई मेरा दोस्त है, अब वो दोस्त तो मेरे को हाथ नहीं रखने दे रहा, ना बात कर रहा, मेरे बारे में सब जानता है। अब मैं उससे पूछता रहता था, और बताओ घर में कौन कौन है आपके, बोला एक मेरा बांजा है, एक मेरा ये है, एक मेरा फलाना है। तो फिर मैं बोलता था बांजा क्या करता है आपका, बांजा क्या करना चाहता है, बांजा कितना पढ़ा लिखा है, बांजा क्या कर सकता है, बांजे की क्या संभावना है। तो वो बोलता था हम बांजे को ऐसा करवा रहे हैं, बांजे के साथ ऐसा करेंगे, बांजे के साथ ऐसा करेंगे। तो फिर मैं बीच में से एक बार बोल देता था कि ऐसा करो, एक बार बांजे को बता के देख लूँ अगर आपको क्या तकलीफ आ रही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो निगेटिव भी नहीं होते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं बता सकता हूं तेरे को, यार किसी से मिलवा सकता हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उनके जरिए से कुछ किसी के साथ मिल लो, पता नहीं कहां से क्या संभावना बने, कौन आ जाए। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट ढूंढते रहो, किसको बता सकते हैं, किसको मिल सकते हैं, किसको ला सकते हैं, किसको जोड़ सकते हैं, किसको नेटवर्क में हम लोग कर सकते हैं, किसके साथ प्लान।